हेलो फ्रेंड्स, आज है 30 जनवरी 2019। आज हम लेकर आए 30 जनवरी 2019 को करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनेंगे अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर एक से। आज का क्वेश्चन नंबर एक है, हाल ही में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अवार्ड देने का फैसला किया गया है। तो ऑप्शन ए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी समाजसेवी नानाजी देशमुख, ऑप्शन सी संगीतकार भूपेन हजारिका, ऑप्शन डी इनमें से सभी को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी को। तो अभी हाल ही में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अवार्ड पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और समाजसेवी नानाजी देशमुख और संगीतकार भूपेन हजारिका को देने का फैसला किया गया है। अब बात करते हैं भारत रत्न अवार्ड देने की शुरुआत कब हुई थी, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। तो वो हुई थी 2 जनवरी 1954 को। और ये इसकी शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और 1954 में पहली बार भारत रत्न सी गोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सी वी रमन को ये सम्मान दिया गया था। उस टाइम केवल जीवित व्यक्तियों को ये सम्मान दिया जाता था, बट 1955 में मरणोपरांत यानी मौत के बाद भी ये सम्मान देने का प्रावधान किया गया। और 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में नाम कमाने वालों में भी भारत रत्न देने का निर्णय किया गया। इसमें 2013 में सचिन तेंदुलकर को, वैज्ञानिक सी एन राव को भी भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परीक्षा से पहले छात्रों पे परीक्षा पे चर्चा 2.0 कहाँ आयोजित किया गया। तो अभी हाल ही में परीक्षा से पहले छात्रों से परीक्षा पे चर्चा 2.0 कहाँ आयोजित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू दिल्ली में। तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा से पहले छात्रों से सीधे संवाद किया और परीक्षा पे चर्चा 2.0 कार्यक्रम का एक उन्होंने आयोजन किया, जिससे छात्रों से सीधे बात हुई, उसमें उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना, उसका सलूशन भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल जज किसको नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, सुमन कुमारी को। अब बात आती पाकिस्तान की, पाकिस्तान की कैपिटल कहाँ है, वो है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, वो है आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इमरान खान। पाकिस्तान की करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व इस्पात संघ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA के अनुसार जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। अभी हाल ही में विश्व इस्पात संघ के अनुसार जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है भारत। और पहले स्थान पर कौन है, वो है चाइना। दूसरे स्थान पर भारत बन गया है। और तीसरे स्थान पर कौन आ गया है, वह आ गया है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान IAIIM यानी एम्स की आधारशिला कहाँ पर रखी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु के मदुरई में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना मदुरई में इन्होंने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने राफेल नडाल को 6-3, 6-2 और 6-3 से हराकर रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई ओपन का कौन सा खिताब जीता। तो वो जीता 7वां। तो अभी हाल ही में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने राफेल नडाल को 6-3, 6-2 और 6-3 से हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन का 7वां खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोमी ओसाका। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल का खिताब जापान की टेनिस खिलाड़ी नोमी ओसाका ने चेक गणराज्य की पेट्रा विक्तोवा को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रेलवे ने स्वदेश निर्मित ट्रेन 18 को क्या नाम दिया है। ऑप्शन ए वंदे भारत,
एक्सप्रेस, ऑप्शन बी हिंद भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन सी ज्ञान गंगा एक्सप्रेस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अभी वंदे भारत एक्सप्रेस, भारतीय रेलवे ने स्वदेश निर्मित ट्रेन 18 को वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2018 में किस शब्द को हिंदी शब्द से घोषित किया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नारी शक्ति। इस बार नारी शक्ति को हिंदी शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने प्रयोग किया, यानी नारी शक्ति को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2018 के लिए हिंदी शब्द घोषित किया है नारी शक्ति वर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में खोला गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी बिहार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। हाल ही में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड में अभी खोला गया है। और बात आती पहला कहाँ है, वो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, वही 9 नवंबर 2000 में। और वहाँ के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र रावत। वहाँ के गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर। लोकसभा सीटें कितनी, 5। और उत्तराखंड में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 3। और विधानसभा सीटें कितनी हैं, 71। और उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, वो हैं 13। मुख्य न्यायाधीश कौन है, रमेश रंगनाथ। लोकनृत्य बरादा, नाटी, भोटिया, झोरा, छोटिया, पांडव नृत्य, लांगवी नृत्य, ये सब वहाँ के उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। और नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी है वहीं पर, और टिहरी बांध भी है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।